अभी दोस्तों नमस्कार। आज और एक नेक्स्ट डे हमने बताया था इंटरव्यू का हमारा सेशन चल रहा है और जो जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका रिव्यू आपके सामने शो करवा रहे हैं ताकि देखो उनका भी डर निकले और प्लस में आपको भी अनुभव मिले कि किस प्रकार से अपन प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से अपने को व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से उस इंटरव्यू को क्लियर करके जो जॉब है उसको कलेक्ट करना चाहिए, जो अपना जॉब है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो अपन बात करेंगे, बच्चा आएगा, इंटरव्यू लेंगे, तो सारी प्रोसेस आप वीडियो को लगातार देखिए। हाँ ये रिज्यूम नहीं है आपका? जी सर, रिज्यूम नहीं है। रिज्यूम नहीं है? रिज्यूम जानते हो क्या होता है? आपने डिप्लोमे का इस प्रकार से नागपुर से आपने डिप्लोमा कर रखा है, उनको दो प्रतिलिपि आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको आपने स्टेपल करके और फोटो प्लस में आपका आधार कार्ड है ना, सही बैठो पहले, हाथ इस प्रकार से करके बैठोगे तो इंटरव्यू तो थोड़ी दोगे, सही बैठो। हाँ, बैठने का तरीका आपको आना चाहिए। आपने कोर्स किया है इस डिप्लोमे की रिगार्डिंग 2019 में आपने कोर्स किया है, 6 मंथ फायर फाइटिंग का कोर्स किया है। कहाँ से किया था ये कोर्स आपने? नागपुर जाकर के किया था या यहाँ कोई इंस्टीट्यूट से किया था? इंस्टीट्यूट से किया था। तो फायर में कितने एग्जाम दिए थे भैया आपने? वो अभी दिया था ना, 29 जनवरी नहीं, पहले डिप्लोमा आपने किया था तब एग्जाम कितने दिए थे? डिप्लोमा आपने किया हो तो एग्जाम तो दिया होगा, कितने एग्जाम दिए थे तेज बोलो, कितने एग्जाम दिए थे? एग्जाम दिए ही नहीं। तो ये चीज़ें देखो, सबसे पहले यही होती है, फायरमैन का डिप्लोमा कर रखा है, आपको नॉलेज नहीं है फायरमैन के डिप्लोमे के बारे में, तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा? और नेक्स्ट पार्ट आता है, अभी अगर बात करूँ मैं टॉपिकों की, तो फायर का आपको बेसिक नॉलेज है, केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है, चैप्टर पढ़ा है आपने? क्या नॉर्मल जानकारी है? कितने प्रकार की आग होती है? 5 प्रकार की होती है, बताओ कौन कौन सी? ए बी सी, अलग अलग वर्गों में बांटी गई है ना। अब मैं अगर पूछूं, आपने इलेक्ट्रिक की फायर आपने देखी है कभी लगी हुई? पैनलों में जो फायर होती है, इलेक्ट्रिक का जो पैनल होगा उसमें फायर होती है, तो उसको कौन सी क्लास में रखा गया है? ई क्लास में। तो क्लास ई तो आप बता रहे हो, तो इसमें एडी नहीं है, क्लास अगर बताओगे तो ए बी सी डी ई, अगर के ऐसे तो वो तो अभी 6 होगी। 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है? चलो छोड़ो इनको बताओ, इलेक्ट्रिक की फायर होती है उसको कौन से एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे? डीसीपी वाले एक्सटिंग्विशर। डीसीपी, डीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ड्राइव केमिकल पावर। एक मिनट। अच्छा, अपन फायर सेफ्टी में अगर आपको जॉब दी जाए तो आपका काम क्या रहेगा पता है आपको? क्या काम रहेगा अगर आपको किसी कंपनी में फायर सेफ्टी की जॉब दे दी जाए तो वहाँ क्या काम रहता है आपको पता है? सर, आप स्टाफ और लोगों सभी को फायर के बारे में जानकारी बुझाने के बारे में जानकारियाँ देनी होती है। आग लगी हुई बुझा सकते हो आप? पक्का? लिक्विड की फायर होती है, अगर चलो मान लो पेट्रोल की फायर है, आग लगी किसी पेट्रोल पंप पर, आप उसमें वहाँ मौजूद हो तो आप उस आग को बुझा सकते हो? नॉर्मल लगी हुई तो इसमें एक्सटिंग्विशर के माध्यम से बुझा सकते हो? नॉर्मल लगी हुई तो एक्सटिंग्विशर के माध्यम से बुझा दोगे, अगर बड़ी हुई तो फिर तो सर आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी वहाँ, आपका काम क्या रहेगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझाना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अपना टेंडर। हाँ हाँ, टेंडर बुलाओगे कहाँ से? फायर सर्विस वाला क्या होता है? स्टेशन होता है ना, फायर स्टेशन। मुझे लग रहा है आपने फायर के कोई भी टॉपिक घर पे नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना सर? आपसे क्लास में भाई, मेरे से आपने सीखा है, मेरे से सीखा होता तो बहुत कुछ बताते आप। कोर्स भी आपने ले रखा है, लाइव क्लास भी आपने ली थी, तो आप क्यों नहीं बता रहे? हमने तो पूरे वीडियो बता रखे हैं यूट्यूब पे,
फायर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने टॉपिक लगते हैं, कौन कौन सा कार्य होता है, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ये सब लगा रहा है नोट भी किए हुए। क्या चीज़? नोट भी किए हुए हैं। नोट आपने कर रखा है ये ना, तो आपको याद कम रहता है। सबसे पहले कहीं इंटरव्यू देने जाओ, सबसे पहला तरीका आपको एंट्री करने का तरीका आना चाहिए, बताया था ना मैंने, बैठने का तरीका आपको आना चाहिए, इस प्रकार से बैठोगे तो कैसे इंटरव्यू दोगे आप। फिर दूसरी आगे की बात आती है, सीवी आपके पास है नहीं, आपने ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट लिया है, आधार कार्ड लिया है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए था, पहला काम तो यही है। आगे का बात आती है टॉपिक कौन कौन से पढ़ने चाहिए, वो हमने बताया नहीं थे आपको कौन कौन से पढ़ने चाहिए। फायर का केमिस्ट्री फायर चैप्टर पूरा पढ़ो, हाइड्रेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पैनल क्या होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक जो वायर्स चलती है, इलेक्ट्रिक जो सिस्टम होने फायर के फायर में जो इंस्टॉल होते हैं वो भी नॉलेज होना चाहिए। सब चीज़ों के बारे में ठीक है ऑपरेशन हो नहीं हो सकता, पर कुछ ना कुछ तो आपको होना चाहिए। अगर जॉब दे भी दे तो इसमें फायर का तो अपना इमरजेंसी का काम होता है, इसमें नुकसान है। अगर जॉब दे भी दें तो इसमें फ़ायदा कहाँ है ये बताओ। आप आग बुझाने के लिए आए हो, लोगों की रक्षा करने के लिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप रक्षा कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट टाइम क्या करना है पता है, कंप्लीट चीज़ें ढंग से जाकर के पढ़ो। हो सकता है आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है पर थ्योरेटिकल तो होना चाहिए, वो जाकर के पढ़ो। रिज्यूम लेकर के जाना है, रिज्यूम बढ़िया सा ई मित्र पे तैयार करवाओ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करो, आपका डिप्लोमा, आपका आधार कार्ड, आपके मार्कशीट, क्या क्या आपने एजुकेशन की है, कौन से बोर्ड से आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, वो सारी लगाओ। उसके बाद में पता चलता है कि आपने किस बेस पे इंटरव्यू देने आए। कंप्लीट आप जो इंटरव्यू होता है वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछते हैं, फ्रेशर हो तो कंडक्ट कर लेते हैं, वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट टाइम आओ तब ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, और हौसले के साथ में आना है, डर आपको निकालना है, और चीज़ें आपको कलेक्ट करके जो जवाब पूछे उसका तड़ाक से जवाब देना है। दे सकते हो ना? ठीक है, आप जा सकते हो। तो दोस्तों जो नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं ना, उनका देखो रिव्यू आपके सामने इसलिए शो करवा रहे हैं ताकि आपको भी पता चले क्या अपन विदाउट नॉलेज किसी कंपनी में कहीं इंटरव्यू देने जाए तो क्या आपको वो लेंगे। नहीं, लोग कहते हैं जरूर है कि मैं करवा दूंगा, मेरा जानकार है, वो है फलाना, नहीं आप उनके चक्करों में मत आओ, अपना नॉलेज खुद डेवलप करके खुद इंटरव्यू देने जाओ ताकि आपकी सैलरी भी अच्छी बने और वहाँ काम करने में आपको जोर भी ना आए, अच्छा भी लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंटरव्यू के साथ में। धन्यवाद।